मुर्शिदा, मतलब हमने उसको दुकान में देखा था, हम इसकी पेडिग्री वेडिग्री खरीदने गए थे, तो दुकान में ना उसकी बहुत तबीयत खराब थी, तब हमने उसको मतलब खरीद लिया था, थोड़ा 50 रुपीज़ का लिया था हमने उसको, क्योंकि उसकी बहुत तबीयत खराब थी, हमारे से देखा नहीं गया। तो हम लाए, वो 3 बहन भाई थे, 2 बहनें थी, 1 भाई था, उसका नाम था स्टूइट था। मैं पहले बचपन में एक मूवी देखता स्टूइट, उसमें लिटिल स्टूइट नाम का एक चूहा होता है, तो उसी से मैंने उसका नाम रखा था। वो वाइट कलर का था, बहुत क्यूट था। और ना फिर उसकी कुछ दिनों बाद वो मतलब बहुत फ्रेंडली था, है ना, तो अपने बहन भाइयों को बहुत याद करता था, मतलब चू 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 करते रहता था। तो नए एक दिन बोला कि तुम इनके बहन भाई को भी ले आओ। फिर हमने जिस दुकान से इसको खरीदा था उसी दुकान में हम दोबारा गए थे शुक्रवार की, हमारे को वो दोनों ही मिल गए। उन दोनों की बहुत बुरी हालत थी, दुकान वाले पता नहीं कैसे रखते हैं उनको, हमारे पास में एक दुकान है तो हम उन दोनों को भी ले आए। तो ये दोनों फिर बहन भाई सब मिल गए, मतलब बहुत खुश थे, फिर खेलते थे, खाते थे, पीते थे। नहीं तो जो हमारा मूसी था वो बिल्कुल भी नहीं खाना खा रहा था अपने बहन भाइयों के बिना। हम मतलब सहन, हम देख सकते हैं कि जो मन में जो चल रहा होता है हम वो सोच सकते हैं, है ना, वो हमारे को बताते थे तो हम सोच के समझते थे, समझते हैं इनको। तो इनकी भाषा भी बहुत कम लोग होते हैं जो एनिमल लवर होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में जो इनकी भाषा समझ पाते हैं। मैं इनकी भाषा एनिमल लवर समझते हैं, एनिमल लवर समझते हैं जो रियल दिल से एनिमल्स को लव करते हैं। यानी कि तुमने किसी डॉग को दुकान से खरीद लिया, शौक है तो तुम अडॉप्ट कर सकते हो। बहुत सारे NGO होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर डॉगी ऐसी बहुत सारे तड़प रहे होते हैं, बेचारे रोड में बैठे होते हैं, वो गंदे नहीं होते, वहाँ के लोग उनको गंदा बना देते हैं। तो उन्हीं को आप, हमने सारे हम अपने गली में ही पाले हैं, जितने भी गली के थे हमारे, हमने बस हमने वो मूसी को इसलिए दुकान से खरीदा था क्योंकि वो बेचारा बहुत तड़प रहा था, उसकी बहुत तबीयत खराब थी। वो तीनों वहाँ पर बैठे थे, फिर वो हमारे घर आके बहुत खुश थे। फिर कुछ दिनों बाद जो हमारा स्ट्रीट था वो बेचारा पता नहीं कहाँ चूहे से लड़ने चले गया, पता नहीं जंग में, तो बेचारे की टांग में ना जो जंगली चूहे होते हैं ना उन्होंने काट लिया था जहरीले वाले, तो उसकी टांग पूरी सूज गई थी। फिर एक दिन मेरा पेपर था तो मैं सुबह सुबह उठ के पढ़ाई कर रहा था और मेरी मम्मी भी मेरे साथ ही थी, मम्मी दूध बना रही थी मेरे लिए और हमारे लिए दूध गर्म कर रही थी, जब सीरो और किट्टी नहीं थे, जब हमारा एक गुड्डू था, है ना, तो वो बेचारा बहुत। तो वही हमारे यहाँ पर कल एक गई आई थी, वो पालतू थी वैसे तो, मगर वो बहुत ज़्यादा पतली थी, मतलब इतनी बड़ी 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 सी गैया थी वो, मगर वो बहुत पतली थी। मैं आगे अभी इस वीडियो में आगे आपको क्लिप दिखाता हूँ, चलिए चलते हैं आगे थोड़े। तो गाइस ये है वोली गाय, ये देखो ये कितनी पतली। हमने यहाँ पर ये हमने बाल्टी रख देते और एक ये हमारा बर्तन है, ये हमने हैंडमेड बनाया है और बाल्टी तो बाहर की है। हम इसको खाना खिला चुके हैं, बहुत पतली थी, हमने इसको वोली क्लिप शूट नहीं कर पाया, जब हम इसको खाना खिलाया था हमने इसको बहुत सारा खाना खिलाया, टमाटर खिलाया, सब्जी खिलाई जो बची थी। ये गाय पालतू है और इसके कान में कुछ येलो येलो स्टैम्प भी लगा हुआ है, अभी आई थी। तो यहाँ पर देखो, ये देखो ये रहा इसके कान में, पता कैसे कैसे पालते होंगे इसको, इन लोग क्यों नहीं खाना खिलाते। अगर आपके यहाँ कोई गाय आती है या तो कोई भी एनिमल आता है तो उसको भूखा ना छोड़िए, उसको खाना खिलाएं बहुत सारा, जितना आपसे हो सकता है, किसी को भूखा मत जाने दीजिए। तो आज की वीडियो हमारी यहाँ पर ही ख़त्म होती है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें, एंड शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।